हेलो एवरीवन, क्या आपको पता है सिर्फ इंडिया में ही करीब करीब 2000 के आसपास लैंग्वेजेस बोले जाते हैं। सोचो पूरे वर्ल्ड में कितने सारे लैंग्वेजेस बोले जाते होंगे। दैट मीन्स एक ऑर्गेनिज्म का हजारों नाम हो सकता है। लायन का ही एग्जांपल लेते हैं, इंडिया में उसको शेर कहते हैं, चाइनीज में सीजी कहते हैं और जापानीज में रेओ कहते हैं और इंग्लिश पीपल उसको लायन कहते हैं। और भी ना जाने लायंस के कितने सारे नेम्स होते हैं। इसी तरह सभी ऑर्गेनिज्म के बहुत सारे नाम होते हैं। सपोज आप अपने किसी चाइनीज फ्रेंड के साथ में बात कर रहे हो शेर के बारे में और आप शेर शेर बोले जा रहे हो, पर वो सामने वाला बंदा तो कुछ समझ ही नहीं सकेगा क्योंकि वो लोग तो शेर को सीजी बुलाते हैं। इसी तरह से जब अलग अलग कंट्री के साइंटिस्ट किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को लेकर डिस्कस करना चाहे तो उन्हें सेम टाइप ऑफ प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा। वो लोग एक दूसरे को समझा नहीं पा रहे थे क्योंकि अलग अलग कंट्रीज के साइंटिस्ट अलग अलग नाम से उस ऑर्गेनिज्म को बुलाते थे। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सभी साइंटिस्ट ने मिलकर सोचा, क्यों ना हम हर एक ऑर्गेनिज्म को एक पर्टिकुलर साइंटिफिक नाम दे दे और वो ऑर्गेनिज्म पूरे वर्ल्ड में उसी नाम से जाना जाए। ऑर्गेनिज्म्स को साइंटिफिक नेम देना ही नोमेनक्लेचर कहलाता है, एक्चुअली बायनोमियल नोमेनक्लेचर कहलाता है। सो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 9 बायोलॉजी का चैप्टर डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म और इस चैप्टर में ये एक टॉपिक है नोमेनक्लेचर एंड इन दिस पार्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर का मतलब होता है नामकरण और यू कैन से नाम पद्धति। जिस तरह हमारे घर में कोई नया बच्चा पैदा होता है तो उसका हम नामकरण करते हैं, उसी तरह से हर एक ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेमिंग होता है। ह्यूमन बीइंग का साइंटिफिक नेम होमो सेपियंस है। जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका साइंटिफिक नेम टू वर्ड्स का बना हुआ होता है, इसीलिए इस नेमिंग को हम बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कहते हैं। नोमेनक्लेचर का मतलब नामकरण एंड बाइनोमियल, बाइ मींस टू, नोमियल मींस वर्ड्स और नेम। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को सबसे पहले साइंटिस्ट कार्लस लीनियस ने इंट्रोड्यूस किया था, वो भी 18th सेंचुरी में। और नामकरण करते वक्त जो वर्ड्स का यूज किया जाता है वो लैटिन भाषा से लिया जाता है। एज फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बींग का साइंटिफिक नेम है होमो सेपियंस। ये होमो एंड सेपियंस लैटिन भाषा से ही लिया गया है। लैटिन भाषा ही क्यों? क्योंकि ये सबसे पुराना एंड नॉन डायनामिक लैंग्वेज है। दैट मीन्स इस लैंग्वेज में ज्यादा चेंजेस नहीं हुए हैं। नाउ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के अंदर किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो नाम है वो दो वर्ड्स का बना हुआ होता है। पहला वर्ड जीनस कहलाता है एंड दूसरा वर्ड स्पीसीज कहलाता है। एज फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बींग का साइंटिफिक नेम क्या है? होमो सेपियंस। होमो इज जीनस एंड सेपियंस इज स्पीसीज। इसके और भी कई एग्जाम्पल्स हम लोग देखते हैं, जैसे लायन का साइंटिफिक नेम है पैंथेरा लियो, टाइगर का साइंटिफिक नेम है पैंथेरा टाइग्रस एंड लेपर्ड का साइंटिफिक नेम है पैंथेरा पार्डस। हम ह्यूमन बींग्स में भी जो नाम होता है वो दो वर्ड का बना होता है। एज फॉर एग्जाम्पल मैं अपना ही नाम लेती हूँ, मेरा नाम है अनुपमा मंडल। अनुपमा इज माय नेम एंड मंडल इज माय सरनेम। अगर हम सरनेम को पहले लिखते हैं तो मंडल अनुपमा होगा। जैसे हम लोगों का नाम दो वर्ड का बना हुआ होता है सरनेम एंड नेम, उसी तरह से बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में
ऑर्गेनिजम्स का भी नाम दो वर्ड का बना हुआ होता है, जीनस एंड स्पीसीज। नाउ ये जीनस जो है वो कई सारे क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म का एक हो सकता है, पर स्पीसीज नेम किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का ही होता है। इसको हम ऐसे समझते हैं, मेरे फैमिली में हर किसी का सरनेम मंडल है। मेरे पापा का भी सरनेम मंडल, दादाजी का भी मंडल, भाई का मंडल, मेरे माँ का नाम सरनेम जो है वो मंडल। अगर कोई मंडल कहेगा तो समझ में नहीं आएगा वो किसको बुला रहा है, मेरे भाई को, मेरी मम्मी को या मुझे। पर अगर वो अनुपमा कहेगा तो समझ में आएगा पर्टिकुलरली वो मुझे ही बुला रहा है, क्योंकि अनुपमा नाम सिर्फ और सिर्फ मेरा है। उसी तरह से ये जो जीनस है पैंथेरा, ये पैंथेरा जीनस लायन का भी है, पैंथेरा जीनस टाइगर का भी है एंड पैंथेरा जीनस लेपर्ड का भी है। लेकिन ये जो स्पीसीज है वो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के लिए है, दैट मीन्स लियो सिर्फ लायन के लिए होता है, टाइग्रस सिर्फ टाइगर के लिए होता है एंड पार्डस सिर्फ और सिर्फ लेपर्ड के लिए होता है। अगर आप सिर्फ पैंथेरा कहोगे तो इसमें लायन भी आ जाएगा, टाइगर भी आ जाएगा, लेपर्ड भी आ जाएगा। लेकिन अगर आप पैंथेरा लियो कहोगे दैट मीन्स आप सिर्फ लायन के बारे में कहना चाहते हो। अगर आप पैंथेरा टाइग्रस कह रहे हो दैट मीन्स आप टाइगर के बारे में कहना चाह रहे हो, और अगर आप पैंथेरा पार्डस कहते हो दैट मीन्स आप लेपर्ड के बारे में कहना चाहते हो। जिस तरह से सरनेम क्लोजली रिलेटेड पर्सन का एक होता है, जैसे मेरा, मेरे भाई का, मेरे पापा का, मेरी मम्मी का सरनेम एक है मंडल, उसी तरह से जीनस भी क्लोजली रिलेटेड एनिमल्स का एक होता है, पर नेम जो है वो पर्टिकुलरली सिर्फ मेरा है। उसी तरह से स्पीसीज भी जो है वो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का होता है, जैसे लियो सिर्फ और सिर्फ लायन के लिए, टाइग्रस सिर्फ और सिर्फ टाइगर के लिए एंड पार्डस सिर्फ और सिर्फ लेपर्ड के लिए। सो व्हाट इज जीनस, उसको हम सरनेम से कोरिलेट करके समझ सकते हैं, एंड व्हाट इज स्पीसीज, उसको हम नेम के साथ कोरिलेट करके समझ सकते हैं। अब हम जानेंगे वो रूल्स जो साइंटिफिक नेम लिखते वक्त फॉलो किया जाता है। फर्स्ट रूल, जीनस स्टार्ट विद कैपिटल लेटर। देखो मैंने यहाँ पे लिखा है पैंथेरा, पैंथेरा जीनस है और वो स्टार्ट हुआ है किससे, कैपिटल लेटर से। यहाँ भी कैपिटल पी, यहाँ भी कैपिटल पी एंड यहाँ भी कैपिटल पी। सेकेंड रूल, स्पीसीज स्टार्ट विद स्मॉल लेटर। देखो लियो स्पीसीज है, एल जो है वो स्मॉल लेटर है, टाइग्रस स्पीसीज है, टी इज स्मॉल लेटर, पार्डस इज स्पीसीज एंड हियर पी इज इन स्मॉल लेटर। थर्ड रूल, जब ये नेम्स प्रिंटेड फॉर्म में पाए जाते हैं, दैट मीन्स किसी बुक में लिखे हुए मिलते हैं हमें, तो वो इटैलिक्स फॉर्म में होते हैं। इटैलिक्स में मतलब वो आप देखोगे कि थोड़ा टेढ़ा टेढ़ा होता है, जैसे ये पैंथेरा लियो है ना, तो ये इस तरह से लिखा रहेगा। ठीक है, ये देखो थोड़ा टेढ़ा है ना। फोर्थ रूल, जब ये हैंड रिटन होते हैं, दैट मीन्स जब हम इनको कॉपीज में लिखते हैं, तो जीनस एंड स्पीसीज को सेपरेटली अंडरलाइन करते हैं। देखो मैंने यहाँ जीनस को एंड स्पीसीज को सेपरेटली अंडरलाइन किया हुआ है। नॉमेनक्लेचर के बारे में अभी इतना ही। नाउ क्विक रिविजन, ऑर्गेनिजम्स को साइंटिफिक नेम देने का जो सिस्टम है उसको नॉमेनक्लेचर कहते हैं, एंड ऑर्गेनिजम्स अपने उसी पर्टिकुलर साइंटिफिक नेम से ही पूरे वर्ल्ड में जाना जाता है। ये जो साइंटिफिक नेम है वो दो वर्ड्स का बना होता है। पहला जो वर्ड है वो ऑर्गेनिज्म के जीनस को डिनोट करता है एंड दूसरा वर्ड ऑर्गेनिज्म के स्पीसीज को डिनोट करता है। एज इट इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स इट इज कॉल्ड बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। जीनस जो है वो क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म का एक जैसा हो सकता है, बट स्पीसीज स्पेसिफिक होता है। साइंटिफिक नेम्स जो है वो
लैटिन वर्ड्स के बने होते हैं। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जिसको आज हम लोग यूज करते हैं उसको साइंटिस्ट कार्लस लीनियस ने 18th सेंचुरी में इंट्रोड्यूस किया था। नाउ कुछ रूल्स होते हैं साइंटिफिक नेम्स लिखने की। फर्स्ट रूल, पहला वर्ड जीनस होता है और वो स्टार्ट होता है कैपिटल लेटर से। सेकेंड रूल, दूसरा वर्ड स्पीसीज होता है और वो स्टार्ट होता है स्मॉल लेटर से। थर्ड रूल, जब साइंटिफिक नेम्स प्रिंटेड होते हैं वो इटैलिक्स फॉर्म में होते हैं। फोर्थ एंड लास्ट रूल, जब साइंटिफिक नेम हैंड रिटन होते हैं तो जीनस एंड स्पीसीज को सेपरेटली अंडरलाइन किया जाता है। नाउ कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। टाइगर का साइंटिफिक नेम होता है पैंथेरा टाइग्रिस। पैंथेरा जीनस है एंड टाइग्रिस स्पीसीज है। पीकॉक का साइंटिफिक नेम होता है पैवो क्रिस्टेटस। पैवो उसका जीनस है एंड क्रिस्टेटस उसका स्पीसीज है। एंड पोटैटो का साइंटिफिक नेम है सोलानम ट्यूबरोसम। सोलानम पोटैटो का जीनस है एंड ट्यूबरोसम उसका स्पीसीज है। दिस इज ऑल अबाउट नोमेनक्लेचर।